सो गाइस वेलकम बैक टू इंडिया चैनल। आज के इस वीडियो में एक न्यू अपडेट आ चुका है। अगर आप मेट्रो कार्ड रिचार्ज करते हो तो यहाँ पे एक और न्यू सेक्शन एडिट हो चुका है, जो कि यहाँ पे रहने वाले मेट्रो QR टिकट्स। तो गाइस आज के इस वीडियो में स्पेशली बात करने वाले पेटीएम के थ्रू। तो गाइस पूरी जानकारी देने वाला, पूरी डिटेल देने वाला इस वीडियो में इसी टॉपिक पर। तो गाइस प्लीज इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मैं हूं निकेश और आप देख रहे हैं टेक इन्वेंटेड। तो गाइस सिंपली आपको साइड में स्क्रीन शो कर देता हूँ, प्लीज आप वहाँ पे ध्यान दीजिए। तो गाइस जब आप पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करते हो, लॉगिन एंड प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे आपको टिकट बुकिंग सेक्शन में एक ऑप्शन मिलता है मेट्रो टिकट्स। तो गाइस सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करते हो यहाँ पे आपको दिल्ली मेट्रो चूज कर लेना है, या फिर आप यहाँ पे चूज कर सकते हो बेंगलुरु मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो, मुंबई मेट्रो, जो भी यहाँ पे मेट्रो सिटीज अवेलेबल है आपको यहाँ पे लिस्टेड कर दिया जाता है। तो गाइस सिंपली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है मेट्रो QR टिकट्स। आप ये QR टिकट तभी परचेज कर सकते हो यदि आप यहाँ पे वन वे जर्नी बिटवीन एनी टू स्टेशन ऑन एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से यहाँ पे सेक्टर 21 तक आते हो, तो इसके बीच में इसका नाम दिया गया है एक्सप्रेस लाइन, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन। जो भी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन होता है, जो भी आप दो स्टेशन के बीच में ट्रेवल करना चाहते हो, आप यहाँ पे इजिली सिलेक्ट कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे मैं मेट्रो QR टिकट पे क्लिक कर देता हूँ। यदि मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू दिल्ली फ्रॉम कहाँ से आपको जाना है, यहाँ पे आप इसको सिंपली चूज कर लेना है। तो गाइस मैं आपको बता दूँ जो मेट्रो लाइन होता है यहाँ पे कुछ ही लिमिटेड स्टेशन अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू दिल्ली है, शिवाजी स्टेडियम है, धोला कुआं, दिल्ली एरो सिटी है, IGI एयरपोर्ट है, टर्मिनल 3, इसी तरीके से द्वारका 21। तो गाइस इन्हीं में से आपको चूज कर लेना है कि कहाँ से आपको पिकअप करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे कहाँ पे जाना है। तो सिंपल यहाँ पे मैं द्वारका सेक्टर 21 पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको पैसेंजर चूज कर लेना है कि कितने पैसेंजर आप यहाँ पे हो। अगर आप एक पैसेंजर हो, एक के साथ ट्रेवल करना चाहते हो, एक टिकट बाय करना चाहते हो, सिंपली आपको एक चूज कर लेना है, 2, 3, 4 आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो और यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे क्लिक करके कंफर्म कर सकते हो पेमेंट। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करने का मौका मिल जाता है अगर आप अप्लाई करना चाहते हो। तो गाइस सिंपली आपको प्रोसीड टू पे पे क्लिक करके कंफर्म पेमेंट कर देना है, आपका QR टिकट परचेज हो जाएगा सक्सेसफुली। तो गाइस कुछ यही न्यू अपडेट था पेटीएम एप्लीकेशन पे मेट्रो QR टिकट्स के रिलेटेड। सो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो से मदद मिली हो, इस वीडियो से जानकारी मिली हो। तो गाइस प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। हम आप सभी के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए कुछ इसी तरीके वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहते हैं। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।